हेलो बच्चों, हम आज मैथमेटिक्स फॉर्मूला सीरीज में आज प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट दिस स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी, सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, एन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट इन प्रोबेबिलिटी? एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन टू और मोर आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस। एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट। इवेंट, एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज एन इवेंट, सिंपल इवेंट। एन इवेंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट इफ इट इज अ सिंगलटन सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस एस। कंपाउंड इवेंट, इट इज द जॉइंट अकरेंस ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन फॉर वन इवेंट टू अकर इन प्रिफरेंस टू एनी अदर इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स टेकन टूगेदर इन विच एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, इफ टू इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी फाई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाई ए बार, ए डैश और ए सी। इज द सेट ऑफ ऑल सैम्पल पॉइंट्स ऑफ द स्पेस अदर देन द सैम्पल पॉइंट्स इन ए। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेट द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेज, देन द सैम्पल स्पेसेज एस हैज एन सैम्पल पॉइंट्स। इफ एन इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ एम सैम्पल पॉइंट, जीरो लेस देन और इक्वल टू एम लेस देन और इक्वल टू एन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाई पी ए इज डिफाइंड टू बी एम बाई एन, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू एम बाई एन। द अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एम बाई एन, विच we have read in mathematical term as total number of favorable cases upon total number of outcomes. Let S, this is the sample space, A1, A2, An be the sample space, then probability of entire sample space will be N by N, that is 1, which is a corresponding to the certain event, P5, 0 by N, 0 corresponding to the null event, phi or impossible event, जिसे हम कहते हैं जो कि हो ही नहीं सकता, ये है possible event जो कि हर बार होगा, certain event. If ai equals to small ai, I equals to 1 to n, then ai is the event corresponding to a single sample point. यहाँ पर हमने event ai लिया है, केवल एक single point, इसलिए sample point में probability उसकी occurrence की 1 by n होगी. और जितनी भी probability होती है, they all lie between 0 and 1, 0 less than or equal to pa less than or equal to 1. Now, odds against and odds in favor of an event, ये क्या होता है? Let there be m plus n equally likely, mutually exclusive and exhaustive cases out of which an event A can occur in m cases. Event A m cases में हो सकता है and does not occur in n cases. और m cases में हो सकता है और n cases में नहीं हो सकता. Then by definition of probability of occurrence, total इसकी जो probability होगी occurrence की वो m by m plus n होगी और probability of non-occurrence जो होगी वो n by m plus n होगी. तो probability of A is to probability of not occurrence of A. मतलब पी ए इज टू पी ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा हमारा एम इज टू एन. दस द ऑड इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए आर डिफाइंड बाई एम इज टू एन, दैट इज पी ए इज टू पी नॉट ए. एंड द ऑड्स अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ द इवेंट ए, जो ऑड्स अगेंस्ट में होगा वो डिफाइंड होगा एन इज टू एम, दैट इज पी ए नॉट इज टू पी ए, दैट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट इज टू पी ए. नाउ एडिशन थ्योरम क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? इफ ए एंड बी आर एनी इवेंट इन एस, मीन सैम्पल स्पेस, then P A union B, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Since the probability of an event is a non-negative number, it follows that probability of A union B is always less than or equal to probability of A plus probability of B. For three events A, B and C in S, we have P A union B union C equal to P A plus P B plus P C minus P A intersection B minus P B intersection C minus C intersection A plus P A intersection B intersection C. Now, it can be extended for any number of event. General form of addition theorem is for an event A1, A2, A3 से AN तक, P A1 union A2 union A3 union A4 से dash 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 union AN तक है, तो ये सबके लिए applicable है, दो बार तीन बार माइनस करके आ सकता है. If A and B are mutually exclusive, then probability of A intersection B जो होगा वो जीरो होगा, so that probability of A union B क्या हो जाए हमारा PA plus PB. Now multiplication theorem, independent event. So if A and B are two independent events, then happening of B will have no effect on A. यही independent event. Now what is difference between independent and mutually exclusive event?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस इज यूज व्हेन इवेंट्स आर टेकन फ्रॉम सेम एक्सपेरिमेंट एंड इंडिपेंडेंस व्हेन इवेंट्स वन टेक्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई वर्ड एंड बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई वर्ड और. When events are independent, then we have probability of A conditional B equal to probability A, and probability of B conditional A equals to probability of B. Then probability of A intersection B or PAB is PA into PB. When events are not independent, for that case we have the probability of simultaneous happening of two events. This is very important. Simultaneous happening. जब दो इवेंट एक साथ हों, the probability of simultaneous happening. The probability of simultaneous happening of two events A and B is equal to the probability of A multiplied by the conditional probability of B with respect to A, or probability of B multiplied by the conditional probability of A with respect to B. That is, for probability of A intersection B means probability of occurrence of A and B together. Intersection का मतलब क्या होता है? जो common हो A और B में. यहाँ मतलब यही है कि जब दो event A और B एक साथ हो. Means A और B की simultaneous happening, इसके लिए होता है पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी कंडीशनल ए और पी बी डॉट पी ए कंडीशनल बी, या पी ए बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी कंडीशनल ए और पी बी डॉट पी ए कंडीशनल बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द एन इंडिपेंडेंट इवेंट. इफ पी वन पी टू पी थ्री पी एन आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए वन ए टू ए थ्री ए एन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट, इनमें से कोई एक होगा ही, तो 1 माइनस पी वन इंटू 1 माइनस पी टू इंटू 1 माइनस पी एन होगा. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन, ए एन बार ए एन नॉट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इफ ए एंड बी आर एनी इवेंट इन एस, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी relative to A is given by probability of B conditional A equals to probability of B intersection A upon PA. या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं provided PA is not equal to zero. ठीक है, इसे कहते सकते हैं probability of B over A, या probability of B when A has occurred. A आ चुका है पहले, तब probability B आने की क्या होगी ये, या तो probability of B over A या probability B conditional A equal to probability of A intersection B upon PA. जो denominator में होगा वही यहाँ पर होगा. Bayes theorem और inverse probability very much important, बहुत ही important है. अभी तक हमने probability निकाला कि अगर A हो चुका है तो B की आने की probability क्या होगी. अब हमें बताना है कि B तो हो ही चुका है, अब A की आने की probability क्या, मतलब B होने वाला है A की probability की, B जो हुआ है वो A के होने के बाद हुआ है, इसकी क्या probability है, अब ये find out करना, मतलब inverse probability. Let A1, A2, An be n mutually exclusive and exhaustive events of the sample space capital S, and A is event which can occur with any of the event, then probability of AI conditional A, AI conditional A will be probability of AI into probability of A conditional AI upon summation of I equal to 1 n probability of AI into probability of A conditional AI. This is so famously called Bayes theorem. ये नीचे इसको याद करने का सरल तरीका, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी वे, probability of AI upon A equals to, this is multiplication principle upon total principle. सिंपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल. अगर टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी ने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए क्या होगा इतने इवेंट में, तो वो होता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल ए आई फ्रॉम आई इक्वल टू वन से एन तक, जितने ही कंडीशन बने हैं जितने भी टर्म्स के सबको सम करके, तब ये टोटल प्रोबेबिलिटी देता है. और ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी पीछे देखी थी, तो जो हमारा बेस थ्योरम या इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकला वो कुछ नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपॉन टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिपीटेड ट्रायल्स. अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एनी एक्सपेरिमेंट विच हैज ओनली टू आउटकम, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें केवल दो ही आउटकम हो, इट इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. आउटकम्स ऑफ सच एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज सक्सेस एंड फेलियर, ऐसे आउटकम को या तो सक्सेस या तो फेलियर कहते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाई पी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं पी से, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को डिनोट करते हैं क्यू से. पी प्लस क्यू हमारा वन होगा हमेशा,
इफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एन टाइम्स, अगर हम किसी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स तक रिपीट कर रहे हैं, देन पी प्लस क्यू की पावर एन जो होगा, एकदम बाइनोमियल थ्योरम ही लगा देना है, एन सी जीरो क्यू एन प्लस एन सी वन पी क्यू की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू पी स्क्वायर क्यू की पावर एन माइनस टू से डैश 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 एन सी आर पी आर क्यू की पावर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर प्लस एन सी एन पी एन जो कि वन के बराबर होगा, क्योंकि पी प्लस क्यू क्या होता है, वन होता है, तो वन की पावर एन जो भी होगी वन होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस इन एन ट्रायल, अगर हमें टोटल एन सक्स आर सक्सेस चाहिए एन ट्रायल में, तो ये होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट आर सक्सेस इन एन ट्रायल चाहिए, मीन्स अधिक से अधिक, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हमें केवल आर सक्सेस चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो समेशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू जीरो से लेकर आर तक एन सी लैम्डा पी लैम्डा एन सी लैम्डा पी की पावर लैम्डा क्यू की पावर एन माइनस लैम्डा तक समेट करने जाना है, तब तक सम करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट आर सक्सेस इन एन ट्रायल, कम से कम तो आर सक्सेस हमें चाहिए ही चाहिए एन ट्रायल्स में, तब क्या होगा, ये समेशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू आर से शुरू करके एन तक जाना है, एन सी लैम्डा पी की पावर लैम्डा क्यू की पावर एन माइनस लैम्डा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट आर सक्सेस इन एन ट्रायल क्या हुआ, समेशन ऑफ एन सी लैम्डा पी की पावर लैम्डा क्यू की पावर एन माइनस लैम्डा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फर्स्ट सक्सेस, देखो अभी आर सक्सेस करे, अब पहला सक्सेस मिले एट आरएथ ट्रायल पे, किस ट्रायल पे, आरएथ ट्रायल पे, वो कुछ नहीं होगा पी की पावर वन, तो पी क्यू आर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट सक्सेस हमें आरएथ ट्रायल पे चाहिए। अब देखो मीन एंड वेरियंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो होगा एन पी एन पी क्यू एंड रूट एन पी क्यू। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, देन पी ए प्लस पी नॉट ए इज वन, पी ए प्लस बी इज वन माइनस पी ए नॉट बी नॉट, पी ए कंडीशनल बी इज पी ए बी अपॉन पी बी, पी ए प्लस बी इज पी ए बी प्लस पी नॉट ए बी, पी ए नॉट बी प्लस पी ए बी नॉट, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन इट इम्प्लाइज दैट पी ए इज लेस देन और इक्वल टू पी बी, पी ए नॉट बी इक्वल टू पी बी माइनस पी ए बी, पी ए बी इज लेस देन और इक्वल टू पी ए, पी बी इज लेस देन और इक्वल टू पी ए प्लस बी, दैट इज लेस देन और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। This is important if you have to find the maximum and minimum value of the probability PAB is less than or equal to PA into PB, less than or equal to PA plus B is less than or equal to PA plus PB, PAB equal to PA plus PB minus PA plus B, P exactly one event equal to PA B minus PAB bar plus PA bar B equal to PA plus PB। ये आप वेन डायग्राम से इजिली कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, PA bar plus B bar is one minus PAB। नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस ऑफ टॉसिंग एन कॉइन साइमल्टेनियसली और ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एन टाइम्स जो होता है वो टू की पावर एन होगा, टोटल केसेस ऑफ थ्रोइंग एन डाइस साइमल्टेनियसली या थ्रोइंग वन डाइस एन टाइम्स ये होता है सिक्स की पावर एन। प्लेइंग कार्ड, टोटल कार्ड 52 होते हैं, 52, 26 आर रेड 26 ब्लैक, 4 सूट्स कार्ड होते हैं हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, 13 कार्ड्स ईच के, हार्ट के भी 13, 13 डायमंड के, 13 स्पेड, 13 क्लब। कोर्ट कार्ड्स 12 होते हैं, 4 किंग्स 4 क्वींस 4 जैक्स। ऑनर कार्ड्स 16 होते हैं, 4 एसेस 4 किंग्स 4 क्वींस 4 जैक्स। फिर आता है प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग एन लेटर्स एंड दियर एनवलप, इफ एन लेटर्स करिस्पोंडिंग टू एन एनवलप्स आर प्लेस्ड इन द एनवलप्स एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर इन राइट एनवलप्स, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट इन राइट एनवलप, probability that all letters are not in right envelope ये होगी 1 minus 1 upon n factorial, probability that no letter is in right envelope 1 upon इसकी probability कि कोई भी letter no letter is in right envelope, यहाँ पर था probability that all letters are not in right envelope, and तो ये होगा 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus dash 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 plus minus 1 की power n इंटू वन अपॉन एन फैक्टोरियल। अगर आपने डी अरेंजमेंट सीखा होगा सीरीज एंड प्रोग्रेशन में तो वहाँ पर ये चीज़ें कवर हुई हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली आर लेटर्स आर इन राइट एनवलप इज वन अपॉन आर फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस आर इंटू वन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो आई थिंक नाउ प्रोबेबिलिटी हैज बीन फिनिश्ड, यस। So that's all, this was there in the probability chapter, so let us revise once again. Probability, we have written some basic terms and concepts, then mathematical definition of probability,
देन कम्स द ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट एडिशन थ्योरम. देन वी हैव रेड द जनरल फॉर्म ऑफ एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, कंडीशनल इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और इनवर्स प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिपीटेड ट्रायल, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑल्सो वी हैव सीन. देन वी हैव सीन द प्लेइंग कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग एल लेटर्स एंड दियर एनवेलप्स. इसमें कई भी टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एनसीईआरटी 12th की बुक में दिया हुआ है. आप प्रोबेबिलिटी अगर वहाँ से पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिना आप मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट का निकाल ही नहीं सकते. आई होप गाइस यू हैव ऑलरेडी रेड, क्योंकि हम ये रिवाइज फॉर्मूला सीरीज है, इसमें केवल मैथ्स के बेसिक फॉर्मूला जो आते हैं वही कवर कर रहे हैं. आई होप गाइस यू हैव लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.